गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। संगम नगरी इलाहाबाद में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही संगम किनारे हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटने लगे और उन्होंने सूरज की पहली किरण के साथ ही स्नान किया। फरुखाबाद में भी मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। गंगा घाट पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। फरुखाबाद में चल रहे माघ मेले में नागा साधुओं ने स्नान किया। नागा साधुओं के स्नान के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम कर रखा था। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी है। वसीम रिजवी को ये धमकी मदरसों को लेकर लिखे लेटर के कारण मिली है। वसीम ने बताया कि दाऊद के गुर्गे ने फौरन मौलानाओं से माफी मांगने की धमकी दी और साथ ही माफी नहीं मांगने पर परिवार को धमाके से उड़ाने की धमकी दी है। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने एक गरीब और दिव्यांग महिला की बेटी का एडमिशन स्कूल में कराया और उसकी पूरी फीस जमा की। बच्ची की मां के ऊपर कुछ साल पहले 17 बार चाकू से उसके पति ने हमला किया था, लेकिन वो बच गई। उसके बाद से उसे अपना जीवन यापन करने में बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसका खर्च भी मनोज सिन्हा ही उठा रहे हैं। बागपत में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से 3 युवकों को लव जिहाद के नाम पर बुरी तरह पिटाई कर डाली। तीनों युवक पंजाब से यहां तहसील कोर्ट में शादी करने आए थे। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी को उनके दफ्तर में ही धमकी दे डाली। एसपी सिटी पर बीजेपी नेताओं ने फंसाने का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। आगरा के लोहा मंडी थाना को आदर्श थाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस कर्मियों के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाई गई हैं, जो थाने पर आने वाले व्यक्ति की समस्या सुनकर तुरंत समाधान का प्रयास करेंगे। मथुरा के विश्राम घाट पर पंडा चढ़ावे को लेकर आपस में भिड़ गए। पंडों ने चढ़ावे के विवाद को लेकर एक दूसरे को जमकर पीटा। महाराजगंज के गौशाला में हालात इतने बदतर हैं कि गायों की मौत के बाद उनके शवों को खुले मैदान में फेंक दिया गया, जिसके बाद आवारा घूम रहे कुत्तों और गिद्धों ने इसे अपना निवाला बनाया। कानपुर पुलिस ने ऐसे ही वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो चोरी हुई गाड़ियों को OLX के जरिए बेचते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 42 गाड़ियां बरामद की हैं। मथुरा में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की अवैध शराब को बरामद किया। तस्कर ट्रक में पंजाब मार्का की अवैध शराब को भरकर ला रहे थे। एटा में दर्जनों हथियारबंद दबंगों ने 2 BDC मेंबर महिलाओं को स्कॉर्पियो कार में डालकर अगवा कर लिया। पीड़ित पतियों ने सपा नेता पर अपहरण का आरोप लगाया है। हाथरस के हसायन कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड और लोगों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट करवाने का आरोप है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस्ती के बवनान कस्बे में 1,60,000 रुपए के पुराने नोट झाड़ियों में फेंके मिले। झाड़ियों में से 1,000 के 113 और 500 के 94 नोटों को बरामद किया गया। सीतापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के शव अलग अलग बैग में मिलने से सनसनी फैल गई। लड़कियों के गले को किसी रस्सी जैसी चीज से कसकर हत्या की गई थी। मऊ में फेसबुक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद कुछ लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने मोहम्मदाबाद कोतवाली जाकर पुलिस को जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।